हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशी स्टडी। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, ब्यूटी है एनवायरनमेंट की और नेचर की, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन मेंटेनिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस। तो ये चैप्टर, ये टॉपिक आपके एग्जामिनेशन और कॉम्पिटिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इम्पोर्टेंट है। हमेशा की तरह लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन जिसका आंसर मैं आपको बताऊंगा इस लेक्चर के लास्ट में। आप जब तक इसको ट्राई करो और आंसर करने की कोशिश करो। और क्वेश्चन है कि किस स्टेट में वन विहार नेशनल पार्क सिचुएटेड है। आपके ऑप्शंस हैं उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड गुजरात, और इसको आंसर करो इन द कमेंट सेक्शन। सो स्टे विद अस बिकॉज देयर इज अलॉट टू नो, अलॉट टू डिस्कस। बट बिफोर वी बिगिन, अब आप रोश स्टडी के साथ घर बैठे तैयारी कर सकते हैं वेरियस टेस्ट, कॉम्पिटिशंस और एग्जाम्स के। हमारे लेक्चर्स का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल रोश स्टडी को सब्सक्राइब करें और हमको फॉलो करें ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। सो लेट्स स्टार्ट। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ये सब मिलकर बनाते हैं एक कॉम्प्लेक्स वेब। इस वेब को बोला जाता है इकोलॉजिकल सिस्टम, और ह्यूमन बीइंग्स भी इस इकोलॉजिकल सिस्टम का एक छोटा सा हिस्सा है, एक छोटा सा पार्ट है। यहाँ पर फॉरेस्ट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फॉरेस्ट जो कि कंसिडर किए जाते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर, और सारे लिविंग थिंग्स, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिपेंड करते हैं ऑन फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में पाई जाती है एक बहुत बड़ी बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी कहते हैं हम एक क्लोजली इंटीग्रेटेड सिस्टम को, जहां पर के मल्टीपल नेटवर्क्स, मल्टीपल स्पेशीज आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं और इस सिस्टम को चलाने में हेल्प करती हैं, और इस सिस्टम में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें इंडिया की, तो इंडिया का 22% लैंड आता है अंडर फॉरेस्ट, और ये आंकड़ा है अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो कि उसने प्रेजेंट किया था ये डेटा इन 2019। इंडिया कंटेन करता है वर्ल्ड की 8% के अराउंड टोटल नंबर ऑफ स्पेशीज, जिनका टोटल नंबर बनता है अबाउट 1.6 मिलियन। इस 1.6 मिलियन में 47,000 स्पेशीज हैं ऑफ फ्लोरा एंड 81,000 स्पेशीज हैं ऑफ फौना, और 15,000 इंडिजिनस फ्लावरिंग स्पेशीज भी पाई जाती हैं। इंडिया जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट फॉरेस्ट मार्केट कंसीडर किया जाता है, तो इंडिया में ये जो फ्लोरा और फौना की स्पेशीज हैं, मींस जो एनिमल्स और प्लांट्स की स्पेशीज हैं, इसमें से मैमल्स की 79 स्पेशीज, बर्ड्स की 44 स्पेशीज, 15 स्पेशीज ऑफ रेप्टाइल्स एंड 3 स्पेशीज ऑफ एम्फीबियंस कंसीडर की जाती हैं ऑन थ्रेटेंड लिस्ट, मींस इनके सर्वाइवल को भी खतरा है। और फौना में से यानी प्लांट्स में से 1500 प्लांट स्पेशीज कंसीडर की जाती हैं ऑन एंडेंजर्ड लिस्ट। इसके पीछे का प्राइमरी रीजन है ह्यूमन एक्टिविटीज, जिससे कि इन प्लांट्स और एनिमल्स के सर्वाइवल को, हैबिटेट को काफी ज्यादा डेंजर बढ़ चुका है, काफी ज्यादा खतरा बढ़ चुका है। और इसके चलते इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, शॉर्ट फॉर्म IUCN, जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसने प्लांट्स और एनिमल की स्पेशीज को कैटेगराइज किया इन 6 क्लासेस, और ये क्लासिफिकेशन उन्होंने किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेट ऑफ सर्वाइवल, इनके सर्वाइवल की रेट की बेसिस पर। और ये 6 कैटेगरीज या 6 क्लासिफिकेशंस हैं, नॉर्मल स्पेशीज, एंडेंजर्ड स्पेशीज, वल्नरेबल स्पेशीज, रेयर स्पेशीज, एंडेमिक स्पेशीज एंड एक्सटिंक्ट स्पेशीज। तो चलिए हम इन 6 क्लासिफिकेशंस को या 6 कैटेगरीज को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सबसे पहला क्लासिफिकेशन हम डिस्कस करेंगे नॉर्मल स्पेशीज। नॉर्मल स्पेशीज वो स्पेशीज जिनकी पॉपुलेशन लेवल नॉर्मल है, इट मींस इनके सर्वाइवल को कोई खतरा नहीं है, सच एज कैटल, साल, पाइन, रोडेंट्स एंड वेरियस अदर ऑर्गेनिजम्स। फिर नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है एंडेंजर्ड स्पेशीज। एंडेंजर्ड स्पेशीज वो स्पेशीज जिनके एक्सटिंक्शन का, जिनके खत्म हो जाने का काफी ज्यादा खतरा बना हुआ है, जैसे कि बंगाल टाइगर, स्नो लेपर्ड एंड ब्लैक बक्स,
इंडिया ने 1973 में एक कंजर्वेशन प्रोग्राम लॉन्च किया फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ टाइगर्स, जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने लॉन्च किया था, और इस प्रोजेक्ट का नाम था टाइगर प्रोजेक्ट। एंडेंजर्ड स्पेशीज के बाद नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है वल्नरेबल स्पेशीज। वल्नरेबल स्पेशीज वो स्पेशीज कंसीडर की गई जिनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन कर गई हो एटलीस्ट 50%, और इनके पॉपुलेशन के डिक्लाइन का रीजन नोन हो, उसके बारे में पता हो कि ये किस वजह से डिक्लाइन कर रहे हैं, या फिर वो स्पेशीज जिनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन कर गई हो एटलीस्ट 30% और इनकी पॉपुलेशन के डिक्लाइन का रीजन अननोन हो। वल्नरेबल स्पेशीज के कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि ब्लू शीप, एशियाटिक एलिफेंट या गैंगेटिक डॉल्फिन। फिर नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है रेयर स्पेशीज। रेयर, जैसा कि आप यहाँ वर्ड से ही समझ गए होंगे, रेयर मीन्स अनकॉमन, यानी कि कोई भी ऐसी स्पेशी जो कि बहुत कम पाई जाती हो, जिसकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा स्कार्स हो और उसको कभी कभार ही देखा गया हो, और ये स्पेशीज आपको मिलेंगी इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। रेयर स्पेशीज के एग्जाम्पल्स हैं ब्राउन बियर, वाइल्ड एशियाटिक बफलो, डेजर्ट फॉक्स एंड हॉर्नबिल। बट एक बात का आप यहाँ ध्यान रखना, ये अलग है एंडेंजर्ड या थ्रेटेंड स्पेशीज से। हम इसको एंडेंजर्ड स्पेशीज कंसीडर नहीं करते हैं या थ्रेटेंड स्पेशीज इसको कंसीडर नहीं किया जाता है। देन सेकंड लास्ट क्लासिफिकेशन है एंडेमिक स्पेशीज, यानी कि वो स्पेशीज जो कि किसी पार्टिकुलर एरिया में ही पाई जाती हैं, जैसे कि अंडमान वाइल्ड पिग या निकोबार पिजन, और ये भी एंडेंजर्ड और थ्रेटेंड स्पेशीज से अलग होते हैं। एंडेमिक स्पेशीज के बाद नेक्स्ट और लास्ट क्लासिफिकेशन है एक्सटिंक्ट स्पेशीज। एक्सटिंक्ट से ही बना टर्म एक्सटिंक्शन, और एक्सटिंक्शन के माने हैं किसी भी काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म या ग्रुप ऑफ काइंड का एक्सटिंक्ट हो जाना, टर्मिनेट हो जाना, यानी कि खत्म हो जाना, और इसके पीछे रोल प्ले करते हैं वेरियस कॉजेज सच एज उस ऑर्गेनिज्म की, उस स्पेशी की ब्रीडिंग कैपेसिटी लॉस्ट कर जाना, जिसकी वजह से उसकी पॉपुलेशन में एक डिक्लाइन आता जाता है, और फाइनली उस स्पेशीज के लास्ट ऑर्गेनिज्म के डेथ के बाद वो स्पेशी, वो ऑर्गेनिज्म हमेशा हमेशा के लिए एक्सटिंक्ट हो जाता है, हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। और इसके वेरियस एग्जांपल्स जैसे कि डायनासोर्स, डोडो, ग्रेट ऑक, पैसेंजर पिजन एंड वेरियस अदर ऑर्गेनिजम्स। So, this is the end of the lecture. अब हम आते हैं अपने question की तरफ। मैंने आपसे पूछा था कि किस state में वन विहार नेशनल पार्क सिचुएटेड है, तो इसका सही आंसर है सी, मध्य प्रदेश। ये नेशनल पार्क सिचुएटेड है नियर द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश, और ये establish हुआ था इन 1979। इसका टोटल एरिया 4.5 स्क्वायर किलोमीटर के अराउंड कंसिडर किया जाता है। तो आशा करता हूँ यहाँ आपको हमेशा की तरह काफी कुछ जानने को मिला होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग, हैव अ गुड डे। ओके बाय।